नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। शॉर्ट्स के बारे में हमने पहले भी बात करी है। शॉर्ट्स स्टैंड करता है हमारे इंटेलेक्ट के लिए, हमारे थॉट प्रोसेस के लिए, हमारे स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट के लिए। जब भी शॉर्ट कार्ड आ रहा है वो हमारे ईगो को भी इंडिकेट कर रहा है, और क्योंकि वो हमारे ईगो को इंडिकेट करता है, उसका ये भी मतलब है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जो है इन्वॉल्व है। तो शॉर्ट्स जो हैं हमारे देखे जो है, दे आर डिफ़िकल्ट टीचर्स। जब भी वो लाइफ में आपकी आ रही हैं, शॉर्ट्स जब भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको जो है कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बट येस, द प्रोसेस इज पेनफुल। जब भी शॉर्ट कार्ड आएगा वो आपको पेनफुली कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। सो शॉर्ट्स कार्ड जो है मेरे देखे जो हैं पूरे डेक में जो हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो कार्ड्स हैं वो पूरे शॉर्ट्स के कार्ड्स हैं। बाकी टैरो कार्ड्स के जो मीनिंग है वो प्रिटी मच दे यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन देम, यू नो, यू कैन फाइंड आउट लाइक व्हाट एक्चुअली इट मींस। बट येस, एवरी कार्ड इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड यू नीड टू मेडिटेट, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली इट रियली इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू। लेकिन जैसे मैं अगर कंपेयर करूँगा तो शॉर्ट कार्ड्स अपने आप में बहुत ट्रिकी हैं और बहुत मज़ेदार हैं। वो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इनके साथ जो है इनका मीनिंग भी जो है बहुत यूनिक है। सो क्योंकि आज हम शॉर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर कार्ड ऑफ शॉर्ट विच इज़ कॉल्ड द सेवन ऑफ शॉर्ट्स। तो सेवन ऑफ शॉर्ट्स के कीवर्ड्स में सबसे पहले हम एंटर करेंगे। सेवन ऑफ शॉर्ट्स के कीवर्ड्स हैं स्टीलिंग, थेफ्ट, कॉन्स्पिरेसी, अनअवेयर, लॉस्ट, प्रूफ, स्नीकिंग अराउंड। दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स विच आर एसोसिएटेड विद सेवन ऑफ शॉर्ट्स। अब इसके पिक्चोरियल मीनिंग में जाते हैं कि सेवन ऑफ शॉर्ट्स हमसे क्या कहना चाह रहा है। सेवन ऑफ शॉर्ट्स में हम देखते हैं कि एक आदमी जो है पांच शॉर्ट्स चुपचाप जो है लेके निकल रहा है। ही स्टीलिंग देम। आप देख सकते हैं क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि वो इन शॉर्ट्स को स्टील कर रहा है, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि वो दो शॉर्ट्स जो है वो पीछे छोड़ के जा रहा है। ये दो शॉर्ट्स जो हैं उसका सबूत है, और ये दो शॉर्ट्स ये भी इंडिकेट करता है कि वो इनको नहीं लेके जा पा रहा क्योंकि उसके हाथ जो है भरे हुए हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान से इस कार्ड को देखेंगे। अब इस चीज़ को आपको समझने के लिए, इस चीज़ को जो है नोटिस करने के लिए आपको कार्ड को जूम करना पड़ेगा। तो जब आप कार्ड को जूम करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ तीन चार लोग इकट्ठे बैठ के जो है खा पी रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब उस सेलिब्रेशन में वो इतने ज़्यादा मस्त हैं, इतने ज़्यादा बिजी हैं कि ये जो चोरी हो रही है इसके तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अब इसके साथ मैं जो है एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो ये जो चोरी हो रही है ये इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है ये आदमी। सो सेवन ऑफ शॉर्ट्स में एक तो ये भी इंडिकेटिव होता है जो कि आपको बताता है कि आपके साथ जो है चोरी हो रही है आपके घर पे, या आपकी लाइफ में, या आपके साथ कुछ ऐसा कुछ घटना घट रही है, धोखा हो रहा है आपके साथ। और धोखा देने वाला और कोई नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, आपके खुद घर का आदमी, दोस्त, भाई, बहुत करीबी कोई इंसान जो है आपके साथ जो है ये काम हो रहा है, धोखा दे रहा है आपको। सो जनरली जो है हम टैरो के अंदर जो है हम यही करते हैं कि हम इसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि भी हमारे साथ चोरी हो रही है, हम किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ कुछ हो रहा है। तो जैसे कि हमने पहले भी जो है टैरो कार्ड्स के साथ अपने साथ ये सवाल पूछा है कि आपको ये पूछना है कि आप इनमें से कौन है, क्या आप ये हैं जिन्होंने ये शॉर्ट्स चोरी करी हैं, या फिर आप वो हैं जिनके साथ चोरी हो रही है। तो इसके अंदर दो धारी जो है कहीं ना कहीं इसका मीनिंग निकलता है इस कार्ड का, सेवन ऑफ शॉर्ट्स का। सेवन ऑफ शॉर्ट्स आपसे ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके साथ
कोई चोरी हो रही है या फिर आपके साथ कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जहाँ पे जो है आपका नुकसान हो सकता है, तो यू शुड बी केयरफुल. ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है बी केयरफुल ऑफ दैट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड समवन हु इज़ अराउंड यू हु इज़ पार्ट ऑफ यू इज़ काइंड ऑफ स्टीलिंग इज काइंड ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू. और दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है वो ये कि आपको ये पूछना है क्या आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, क्या आप किसी के करीब हैं और उसको धोखा दे रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो है किसी को हर्ट होगा. ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने हैं. और अगर आप देखेंगे इस आदमी को, ये जो स्टीलिंग कर रहा है, ही हैज बिकम एन एक्सपर्ट. ये बहुत टाइम से जो है इस तरह से स्टील करता आया है और स्टीलिंग कर रहा है. इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ हिज ब्लड एंड बोन्स. तो इसलिए उसका ड्रेस भी आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसा है कि ड्रेस उसी के अकॉर्डिंग, उन लोगों के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है जिनके साथ वो होता है. और जब भी वो सही मूवमेंट आता है वो चुपचाप जो है वो चोरी करके निकल जाता है या फिर उनको नुकसान दे के निकल जाता है या फिर उनको धोखा दे के निकल जाता है. सो सेवन ऑफ सॉर्ड्स जब भी आपकी रीडिंग में आए, आपको अपने लिए केयरफुल होना है. आपको अपने आप को सवाल पूछना है क्या आप किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, या फिर आपको जो है अपना ध्यान रखना है. इट्स वन ऑफ द रेयर कार्ड. और बहुत रेयरली जो है मैं किसी के साथ जब मैं रीडिंग करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये उसके लिए कार्ड आया है. ऐसी ये कार्ड जब भी ये कार्ड आता है मेरे लिए चैलेंज होता है, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत एक सिचुएशन ऐसी होती है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कार्ड जो है उस वक्त क्या कहना चाह रहा है. ऐसी एक रीडिंग में जब मैं किसी के लिए रीडिंग कर रहा था तो ये कार्ड जब आया तो मैंने ये समझने की कोशिश करी कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं समझ नहीं आया. तो मैंने उस आदमी को इस कार्ड का पूरा मीनिंग बताया कि लाइक दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ व्हाट द कार्ड मीन्स. क्या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ आपको लगता है कि आप इस कार्ड के साथ अपने आप को एसोशिएट कर सकते हैं. वो आदमी मुस्कुराया और उसने बोला कि हाँ कुछ ऐसा ही है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को एक्सप्लॉइट कर रहा है. लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि दूसरे आदमी को एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ जो है वो उसको जितना हेल्प कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन साथ में वो गिल्टी भी फील कर रहा है. तो जब ये कार्ड आया तो वो कहीं ना कहीं टैरो जो है उस आदमी को ये इंडिकेट कर रहा था कि बी केयरफुल ऑफ योर एक्शंस ऑफ वॉट एवर यू डूइंग, बिकॉज आप पीछे जो है ना चाहते हुए भी जो है ना सबूत छोड़ के जा रहे हैं. और सबूत से ज़्यादा जो है जब जिसको आप धोखा दे रहे हो, जब उसको पता चलेगा लाइक समवन सो क्लोज टू मी हैज़ गिवन मी दिस, तब उस आदमी का जो है दिल टूटेगा, उसका विश्वास टूटेगा. सो सेवन ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ स्नीकिंग अराउंड. यू आर स्नीकिंग अराउंड और लाइक समवन इज स्नीकिंग अराउंड यू एंड ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. सो बी केयरफुल. इसका जो बहुत एक यूजुअल जो मीनिंग जो निकलता है वो ये कि क्योंकि ये शॉर्ट्स है, क्योंकि शॉर्ट्स होने की वजह से इट इज़ ट्राइंग टू टेल यू दैट समवन इज़ ट्राइंग टू स्टील योर आइडियाज़ और योर थॉट्स और सम काइंड ऑफ अ प्लान विच वॉज सपोज टू बी फॉर अ ग्रुप टुगेदर समथिंग यू नो, बट someone out of you is stealing that plan and very quietly he is just going away. So seven of swords hamare liye indicative hai. It is known as the card of burglary, it is known as the card of stealing. To jab bhi aapko ye card aaye, my friends, be careful for yourself and be careful for your people around you. So this was my reading for you for seven of swords. I hope you enjoyed my video. I will see you in my next one. Thank you so much for watching. Namaste.